So, guys, in this session we have from the book Politics by Andrew Heywood. In the last sessions we talked about हमारे state के types क्या हैं. हमने pluralist state के बारे में बात की थी, capitalist state के बारे में बात की थी, leviathan के बारे में बात की थी. We called it giant, जो state का control बहुत ज़्यादा होता है जब आपका. और हमने patriarchal state के बारे में बात की थी, where फेमिनिज्म प्लेड अ वेरी पाइवोटल रोल इन मेकिंग श्योर दैट पेट्रियार्कल स्टेट शुड नॉट रिमेन. और फेमिनिज्म के आगे चल के वैरायटीज भी थी. वी टॉक्ड अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म, वी टॉक्ड अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, वी टॉक्ड अबाउट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, वी हैड सो मेनी. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट द स्टेट इज, आफ्टर डिस्कसिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट, एंड नाउ वी विल सी व्हाट द रोल ऑफ द स्टेट इज. लेट्स सी. कंट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टेट पावर have clear implications for the desirable role or responsibilities of the state. What should states do? What functions or responsibilities should the state fulfill? And which ones should be left in the hands of private individuals? सबसे बड़े सवाल यही है कि स्टेट किस किस हद तक इंटरफेयर करे. देखो, हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है बेस, अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल थॉट का, वो यही रहा है कि स्टेट अगर आपका एक रोल प्ले करती है मॉरल एडुकेटर का तो किस हद तक करे, और अगर स्टेट पब्लिक इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी पावर सौंप रही है तो वो किस हद तक दे. मेन गोल यही होता है, स्टेबल सोसाइटी को मेंटेन करना, और स्टेट का काम है एक लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना ताकि केओस और अनार्की किसी भी समाज में ना. ये मेन आपके सवाल है. वेल, इन मैनी रिस्पेक्ट्स अगर हम देखें, दीज आर द क्वेश्चंस अराउंड विच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पार्टी कंपटीशन रिवॉल्व. यही तो है व्हेन वी टॉक अबाउट इन अमेरिका द सो कॉल्ड बाई पार्टी सिस्टम, जहां पे एक पार्टी डेमोक्रेट जो है वो थोड़े से कम कंजर्वेटिव्स हैं, या थोड़े से ज्यादा कहूं लिबरल्स हैं इन कंपैरेटिव टू रिपब्लिकन्स. बात रिपब्लिकन्स भी अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी की करते हैं, बात डेमोक्रेट्स भी अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी की करते हैं. इट्स इन देयर आइडियोलॉजी. इन यूरोप दैट सेम सिस्टम प्रिवेल्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेट सोशलिस्ट, जो हमारे डेमोक्रेट्स का काम करते हैं जैसे अमेरिका में, और दूसरी तरफ है सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो रिपब्लिकन्स का काम करते हैं. वी हैव द सेम केस इन इंडिया एज वेल. यू टॉक अबाउट एनडीए एंड यू टॉक अबाउट यूपीए. The NDA being the National Democratic Alliance and the UPA being the United Progressive Alliance, the so-called Congress faction, less socialistic और ज़्यादा nationalistic. हमारे political linear spectrum के ऊपर हम पांच ideologies बनाते हैं, वो बात हमने पहले भी की है. जब हम center की बात करते हैं, so we have this liberalism. जब हम right की तरफ travel करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलेगा conservatism. एक्सट्रीम राइट पे चले जाओगे, हमें मिलेगा फासिज्म. लेफ्ट की तरफ चलने लगोगे, हमें मिलेगा सोशलिज्म. और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चले जाओगे, वो बन जाएगा कम्युनिज्म. सो आवर जॉब इज नॉट टू गो टू द एक्सट्रीम्स, आवर जॉब इज नॉट टू बिकम फंडामेंटलिस्ट, आवर जॉब इज टू रिमेन इन द मिडल. यही कारण है कि आज की डेट में दुनिया की पार्टीज जो है वो ज्यादातर आपकी या तो सेंटर टू लेफ्ट है या सेंटर टू राइट है. But when it comes to extreme rightist or when it comes to extreme leftist, well, there is a problem at that time. वहाँ state की हमेशा दिक्कत हो जाती है. तो ये कुछ ऐसी बातें कि यही वो चीजें हैं, यही वो सवाल है जिनके तहत electoral politics या party competition आपका घूमता है. With the exception of anarchist, इनको छोड़ दें. Anarchist एक ऐसा brand है, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है, ये state को चाहते ही नहीं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये इस आइडियोलॉजी के चाहते हैं, ये उस आइडियोलॉजी के चाहते हैं, ये स्टेट ही नहीं चाहते. इन्हें लगता है स्टेट ही नहीं होनी चाहिए. हालांकि चाहना तो मार्क्सिज्म का भी यही है. आगे चल के जो हमारा कम्युनिज्म है बन, तो वो भी यही रहा है. काम उसने भी यही कहा था कि मुझे आगे चल के एक क्लासलेस और एक स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है. पर शुरू में वो स्टेट बनाने की बात करता है, एंड दैट इज व्हाट देयर कम्युनिस्ट इज. बट इफ यू टॉक अबाउट एनार्किस्ट who dismiss the state as fundamentally evil and unnecessary, all political thinkers have regarded the state as, in some sense, worthwhile.
Even revolutionary socialists inspired by the Leninist slogan smash the state have accepted the need for a temporary proletarian state to preside over the transition from capitalism to communism in the form of the dictatorship of the proletariat. बात कर रहा था ना मैं कि कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाने में जब आपकी स्टेट नहीं होगी, जब आपकी क्लास भी नहीं होगी, इवन आपके रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी स्टेट की इंपॉर्टेंस को मानता है कि एक बार वो कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाने के लिए हमें कुछ हद तक स्टेट तो चाहिए. Nevertheless, फिर भी there is profound disagreement about the exact role the state should play and therefore about the proper balance between the state and civil society. So among the different state forms that have developed are the following. तो पूरी दुनिया में जो हमारे कुछ स्टेट की फॉर्म्स आपकी डेवलप हुई हैं, तो उनमें से ये कुछ हैं आपकी, जैसे मिनिमल स्टेट्स हैं, डेवलपमेंटल स्टेट्स हैं, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स हैं, टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं या रिलीजियस स्टेट्स हैं. तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स आपकी बनी है. मिनिमल स्टेट्स का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो जो लिबरल स्टेट्स हैं जिनमें स्टेट का रोल बिल्कुल कम है, जो लेसे फेयर के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, इन्हें आप कैपिटलिस्टिक स्टेट्स भी बोल सकते हो. डेवलपमेंटल स्टेट्स हैं जो आपके वेलफेयर ओरिएंटेशन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, या सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जो वेलफेयर के ऊपर ही काम करती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा जो है वो ज्यादा कह लीजिए आपकी राइट्स ओरिएंटेड में. कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स हैं, टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं या रिलीजियस स्टेट्स हैं जिन्हें आप थियोक्रेटिक स्टेट्स भी बोलते हो, जैसे ईरान. ईरान आज की डेट में एक थियोक्रेटिक स्टेट है. आप देखो कि हालांकि वो एक डेमोक्रेसी है पर उनका जो सुप्रीम हेड है वो आयतोल्ला खामेनी है, इट्स अ रिलीजियस हेड दे हैव. टोटलिटेरियन स्टेट्स की बात करें तो आप देखो नॉर्थ कोरिया है आपके पास. कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स की बात करें सो यू हैव द चाइना ओवर देयर. एंड यू टॉक अबाउट सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स या डेवलपमेंटल स्टेट्स की बात करें तो हम लोग हैं, इंडिया है, जितने भी आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं बट दोज़ हु बिलीव इन द वेलफेयर प्रिंसिपल्स, और जितनी भी कैपिटलिस्टिक स्टेट्स हैं आपकी जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल कम है. बिल्कुल कम तो देखो मैंने बताया था आपको कि आज की डेट में किसी का है नहीं, एवरीबडी इज सोशलिस्टिक. हम अमेरिका के उस दिन एक आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, वो मिथिकल कंजर्वेटिव थिंकिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेस जेफरी फ्रेंकल, तो आपने तो उसमें भी देखा था कि इवन अमेरिका का 100 में से 63 रुपए जो है वो सब्सिडाइजेशन में जाता है. अमेरिका जैसी स्टेट का जो बिलीव लेसे फेयर के अंदर करते हैं, जो बिलीव आपके कैपिटलिज्म के अंदर करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल परसेप्शन है कि स्टेट आपकी कितनी टाइप्स की बन जाती है जो पूरी दुनिया में बनी है. आज पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग, मैं कह सकता हूं ये बात बिल्कुल, दैट एवरीबडी बिलीव्स इन सम काइंड वेलफेयर ओरिएंटेशन. हर कोई जो है वो वेलफेयर स्टेट में बिलीव रखता है, क्योंकि एज आई सेड कोई भी स्टेट नहीं चाहती चाहे वेलफेयर हो, चाहे डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो, चाहे मिनिमल हो, चाहे टोटलिटेरियन हो, कि सिविल वॉर हो वहां पे, या स्टेबिलिटी भंग हो, या केओस और अनार्की फैल जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहती, चाहे वो कोई भी हो. बात समझ आ रही? सो लेट्स सी, पर ये थ्योरेटिकल परसेप्शन है, सो विल सी दैट. मिनिमल स्टेट्स. The minimal state is the ideal of classical liberals whose aim is to ensure that individuals enjoy the widest possible realm of freedom. This view is rooted in social contract theory, जो कि हमारे जीन जैकिस रूसो ने हमें develop करके दी है, the social contract. वैसे social contract theorist आपके सिर्फ रूसो ही नहीं है, हम थॉमस हॉब्स को भी social contract theorist बोलते हैं. एंड सो थॉमस हॉब्स के बाद हमारे जॉन लॉकी आए और फिर हमारे जीन जैकिस रूसो आए, ये तीनों हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं. तो ये जो मिनिमल स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, इसके बहुत सारे नाम हैं. इसे आप लिबरलिज्म भी कहते हो, इसे आप इंडिविजुअलिज्म भी कहते हो, इसे आप ईगोइस्टिकल इंडिविजुअलिज्म भी कहते हो, इसे आप क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हो, बहुत सारे नाम हैं. तो ये व्यू हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज में था, but it nevertheless advances an essentially negative view of the state. जब state आपकी interfere ज़्यादा नहीं करने की बात आपकी उस कदर करती, ये ज़्यादातर जो है ये negative conception को बनाता है. नाम से ही clear है minimal state, या वो जो ऊपर बात आई ना anarchist वालों से, हमने borrow कर लिया और हमने बोल दिया कि state जो है वो एक necessary evil की तरह है, जिसका होना भी ज़रूरी है और वैसे evil होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि समाज में बाकी सारी चीजें तो चलो मार्केट फोर्सेस हैंडल कर लेंगे,
डिमांड एंड सप्लाई हैंडल कर लेगा. व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉर्डर्स, व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यू रिक्वायर द स्टेट. इन दो चीजों के बिना बाकी सारी चीजें स्टेट सेट की सब कुछ लोगों के हाथ में कर दिया. द प्रोडक्शन, द डिमांड एंड देन एवरीथिंग. तो स्टेट एक नेसेसरी इविल की तरह होगी ना, कि वैसे इविल है कि इंटरफेयर करती है, पर चाहिए क्या करें. For this, from this perspective, अगर कहें, the value of the state is that it has the capacity to constrain human behavior and thus to prevent individuals encroaching on the rights and liberties of others. क्योंकि स्टेट जो है एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है, और अगर उसे लगता है कि कभी अगर कोई ह्यूमन बिहेवियर पर्टिकुलर कंस्ट्रेन करना है तो वो कर सकती है. क्यों? क्योंकि अगर स्टेट एक नेसेसरी इविल की तरह काम करती नहीं है, करती नहीं है इंटरफेयर, पर वो मिनिमल स्टेट्स के अंदर एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि स्टेट की वैल्यू जो है वो ये है कि स्टेट ह्यूमन अगर बिहेवियर को चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कंस्ट्रेन कर सकती है. कैसे? अपने लोगों की फ्रीडम्स को चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के, या उन फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करके उनको रोक सकती है, उनकी फ्रीडम के ऊपर थोड़ा सा एक आघात कर सकती है. स्टेट इज मियरली ए प्रोटेक्टिव बॉडी, its core function being to provide a framework of peace and social order within which citizens can conduct their lives as they think best. So, जैसे कि आगे लिखा है, in Locke's famous simile, the state acts as a night watchman whose services are called upon only when orderly existence is threatened. मैंने अभी आपको बताया कि जब जब समाज में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है या खतरे में आता है, तब स्टेट को एक नाइट वॉचमैन के रोल की तरह प्ले करना होता है. दिस नेवरदलेस लीव्स द मिनिमल और नाइट वॉचमैन स्टेट विद थ्री कोर फंक्शंस. पहला, द स्टेट एग्जिस्ट टू मेंटेन डोमेस्टिक ऑर्डर, वो देखा आपने. दूसरा, इट इंश्योर्स दैट कि कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉलंटरी एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन प्राइवेट सिटीजंस आर एनफोर्स्ड. और तीसरा, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स, द सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेफेयर, नेसेसरी इविल. द इंस्टीट्यूशनल एपरेटस ऑफ अ मिनिमल स्टेट इज दस लिमिटेड टू अ पुलिस फोर्स, अ कोर्ट सिस्टम एंड अ मिलिट्री ऑफ सम काइंड. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मॉरल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिलोंग टू द इंडिविजुअल एंड आर देयरफॉर फर्मली पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. ये है मिनिमल स्टेट के बारे में जो पूरी बात हमारी है. आगे थोड़ा सा एक हमारे फिलोसोफर के बारे में बात आई है, रॉबर्ट नॉजिक आपके, जो मॉडर्न डे हमारे मिनिमलिस्ट स्टेट के कह सकते हो आप प्रपाउंडर रहे हैं. लेट्स सी क्या है. यूनाइटेड स्टेट्स एकेडेमिक थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. नॉजिक्स का जो मेजर वर्क है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन न्यू राइट थ्योरीज एंड बिलीव्स. लेट मी टेल यू, न्यू राइट के बारे में जब हम बात की थी तो आपको याद होगा, इट वॉज अमेरिकाज रीगनिज्म एंड ब्रिटेन्स थैचरिज्म. नाम रखा गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के ऊपर. सो दैट बिकेम न्यू राइट. मतलब स्टेट का रोल कम नहीं, स्टेट का रोल रीडिफाइन करने की बात हो रही थी. और ब्रिटेन में उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से रखा गया, मार्गरेट थैचर. तो नाम पड़ गया जो दुनिया में न्यू राइटिज्म का कॉन्सेप्ट है, इन द फॉर्म ऑफ रीगनिज्म एंड इन द फॉर्म ऑफ थैचरिज्म, जहां पे स्टेट के मिनिमल होने की बात नहीं हुई, स्टेट के रोल को थोड़ा सा ज्यादा एग्जर्ट करने की बात हुई. रॉबर्ट नॉजिक की किताब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपका उन न्यू राइट के थ्योरीज और बिलीव्स के ऊपर है. वेल, ही डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ लिबर्टेरियनिज्म. लिबरलिज्म नहीं है, लिबर्टेरियनिज्म है. एंड वी नो द डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म. सी, इन लिबरलिज्म द स्टेट एक्ट्स एज अ नेगेटिव. इन लिबर्टेरियनिज्म स्टेट हैज सम पॉजिटिव फंक्शंस टू प्ले. कुछ हद तक जिसको आप कह सकते हो पोस्ट मॉडर्न स्टेट, जो हमारी 90s ऑनवर्ड बनी है. क्योंकि 91 में एंड ऑफ द कम्युनिज्म जब हुआ आपका, तो हमारे एक जैपनीज कह सकते हो आप पॉलिटिकल फिलोसोफर है फ्रांसिस फुकुयामा, वो यहां तक कह गए कि दिस हैज बीन द एंड ऑफ हिस्ट्री नाउ. अब पूरी दुनिया में एक आइडियोलॉजी प्रिवेल करेगी, दैट इज द कैपिटलिज्म. बट देन द पॉइंट इज कि 91 के बाद कैपिटलिज्म ने कुछ हद तक जो है वो अपने अंदर बदलाव किए. ये यूं कह लो कैपिटलिज्म रियलाइज कर चुका था, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ द सिविल सोसाइटी,
कुछ बातें वल्नरेबल लोगों को सिक्योर करने के लिए स्टेट की तरफ से भी देना पड़ेगा, मतलब स्टेट का रोल बढ़ रहा है, पूरा नहीं बढ़ रहा कि स्टेट आपकी कलेक्टिवाइज भी बन जाए, पर इतना कम भी नहीं है कि स्टेट आपकी मिनिमलाइज्ड हो जाए, बैलेंस। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो आइडियोलॉजी है, वी कॉल इट लिबर्टेरियनिज्म, वी डोंट कॉल इट लिबरलिज्म, ये फर्क है। तो ही डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ लिबर्टेरियनिज्म दैट वाज क्लोज टू लॉकीज एंड क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरी यूएस इंडिविजुअलिस्ट सच एज स्पूनर एंड टकर। He argued that ki property rights should be strictly upheld, provided that ki wealth has been justly acquired in the first place or has been justly transferred from one person to another. Locke ke bare mein agar aap jane, to Locke ne yehi kaha tha ki jo hamari property ki acquisition hai, wo hamare samaj mein ek fundamental right hona chahiye. Everybody should be free to acquire as much property as they can. Hum ise property of person ya property in possession bhi bolte hain. सवाल यह है कि प्रॉपर्टी इन पोजेशन, आपके रॉबर्ट नॉजिक ने भी यही कहा, जस्ट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर आपने राइट ऑफ द प्रॉपर्टी को अपहेल्ड नहीं किया तो लिबरलिज्म का गोल ही खत्म। इसलिए रॉबर्ट नॉजिक ने बोला कि प्रॉपर्टी राइट्स को पहली बात तो स्ट्रिक्टली अपहेल्ड करो, बशर्ते कि जो वेल्थ है वो आपकी जस्टली एक्वायर हो और दूसरी बात जस्टली ट्रांसफर भी हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। So this position means support for minimal government and minimal taxation and undermines the case for welfare and redistribution. यहाँ पे तो देखो state के role की बात हो नहीं रही। Nozick's rights-based theory of justice was developed in response to the ideals of John Rawls and in later life Nozick modified his extreme libertarianism. John Rawls का जो concept है ना, एक और पॉलिटिकल फिलोसोफर है मॉडर्न डे के, जॉन रॉल्स, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया था। रॉबर्ट नॉजिक टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, राइट्स। ऑन द अदर हैंड दिस मैन जॉन रॉल्स टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ये वही बताना चाह रहे हैं कि नॉजिक की जो राइट्स बेस्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो जॉन रॉल्स के आइडियाज ऑफ जस्टिस के रिस्पॉन्स में ही डिवेलप हुई थी। तो ये कहानी है रॉबर्ट नॉजिक के बारे में, कैसे इन्होंने फार राइट के अंदर अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया होने के अंदर, या यूं कह लीजिए कि न्यू राइट की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हमारे रॉबर्ट नॉजिक के काम एनार्की स्टेट और यूटोपिया से। आगे देखिए क्या लिखा है। द कॉज ऑफ द मिनिमल स्टेट हैज बीन टेकन अप इन मॉडर्न पॉलिटिकल डिबेट बाय द न्यू राइट, ड्रॉइंग ऑन अर्ली लिबरल आइडियाज एंड पर्टिकुलरली ऑन फ्री मार्केट और क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज, या आसान भाषा में कहें तो स्मिथियन इकोनॉमिक्स, द न्यू राइट हैज प्रोक्लेम्ड द नीड टू रोल बैक द फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट। आज की डेट में वो न्यू राइट ने जो है एक बार फिर से पूरी दुनिया में जो है, जैसे मैंने शुरू में आके कहा आपको कि जो राइट विंग नेशनलिज्म है हमारा बेसिकली, वो आज की डेट में स्टेट के फ्रंटियर्स को दोबारा फिर से जो है वो रोल बैक करने की बात कर रहा है। और ये न्यू राइट ही है जो लिबरलिज्म को लिबर्टेरियनिज्म में तब्दील कर रहा है और इस लिबर्टेरियनिज्म को एक बार फिर से बैक टू द क्लासिकल लिबरलिज्म पे लेके जा रहा है। लेट्स सी हाउ। इन द राइटिंग्स ऑफ रॉबर्ट नॉजिक दिस अमाउंट्स टू रीस्टेटमेंट ऑफ लॉकियन लिबरलिज्म बेस्ड ऑन अ डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स स्पेशली प्रॉपर्टी राइट्स। वो आपने देखा कि रॉबर्ट नॉजिक ने भी यही कहा कि प्रॉपर्टी राइट्स को अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि वो प्रॉपर्टी की एक्विजिशन जो है जस्ट हो। इसलिए उन्होंने कहा कि रॉबर्ट नॉजिक की राइटिंग्स में साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे जॉन लॉकी हैं उनका जो लिबरलिज्म है, उन्होंने जो बोला था कि इंडिविजुअल राइट्स का डिफेंस 101% जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, इन कंपैरेटिव टू थॉमस हॉब्स जिन्होंने बोला था समाज में लोगों के पास कोई राइट ही नहीं है। थॉमस हॉब्स ने क्लियर कट बोला दैट पीपल विल नॉट हैव एनी राइट्स एट ऑल, लोगों को अपने नेचुरल राइट्स को गिव अप करना होगा एब्सोल्यूट स्टेट को बनाने के लिए, क्योंकि थॉमस हॉब्स की ही किताब है 1651 लेवियाथन, जाइंट जाइंट स्टेट। लेट्स सी, इन द केस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट जैसे कि फ्रेडरिक वॉन हेग की बात करें या मिल्टन फ्राइडमैन की बात करें, वेल ये चेन भी है आपकी, पता होना चाहिए, पहले स्मिथियन इकोनॉमिक्स है, फिर किनीजियन इकोनॉमिक्स है जो 1929 टू 1933 जो अमेरिकन डिप्रेशन का केस है जब वहां डेवलप हुआ, एंड फॉलोड बाय दैट वी हैव दिस फ्राइडमैन इकोनॉमिक्स।
जहां पे स्टेट का रोल एक बार फिर से बढ़ने की बात हो रही। तो इन्होंने बोला कि इन द केस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट जैसे कि फ्रेडरिक वॉन हेक एंड मिल्टन फ्राइडमैन, स्टेट इंटरवेंशन इज सीन एज अ डेड हैंड या इनविजिबल हैंड दैट रिड्यूसेस कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, द सो कॉल्ड मॉडर्न डे कैपिटलिस्ट फ्रेडरिक वॉन हेक और मिल्टन फ्राइडमैन जैसे, इन्हें लगता है कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो एक डेड हैंड की तरह है और वो समाज में कंपटीशन कम कर देगा, एफिशिएंसी भी कम कर देगा, प्रोडक्टिविटी भी कम कर देगा। पर अगर हम न्यू राइट पर्सपेक्टिव से देखें, द स्टेट्स इकोनॉमिक रोल शुड बी कन्फाइंड टू ओनली टू फंक्शंस, द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल मींस ऑफ एक्सचेंज और साउंड मनी, और दूसरा प्रमोशन ऑफ कंपटीशन थ्रू कंट्रोल्स ऑन मोनोपोली पावर, प्राइस फिक्सिंग एंड सो ऑन। क्या हमने एक दो दिन पहले अभी डीसीए के अंदर कंपटीशन कमीशन इंडिया एक्ट के बारे में नहीं देखा, जहां पे हमने बात की थी कि स्टेट का फर्ज बनता है हेल्दी कंपटीशन को इंश्योर करना। यही वो बात बोल रहे हैं कि न्यू राइट के अकॉर्डिंग स्टेट के जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं वो सिर्फ दो हैं। पहला ये कि हम स्टेबल मींस ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी ना हो। हमारे समाज में अगर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच आ गया, और वो भी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर जहां पे स्टेट ने इंटरफेयर करना ही नहीं है, तो सोच के देखो कितने ज्यादा ड्रैकोनियन मेजर्स आपके हो जाएंगे। यही कारण है कि स्टेट बस थोड़ा सा इकोनॉमिक रोल प्ले करे कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई है उसे इंटैक्ट रखे, उसे बहुत ज्यादा जो है वो खराब ना होने दे, और दूसरा कंपटीशन जो है वो सिक्योर रखे, मोनोपोली पावर को चेक रखे, जिसे हम बोलते हैं ना आज की डेट में, मैंने बताया था आपको कंपटीशन एक्ट के अंदर एक क्लॉज है जो हमने अमेंडेड वर्जन में डाला, वो है कि पहले ना डील्स को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट से होके नहीं जाना होता था। और मैंने बताया था आपको कंपटीशन एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो हमारी डील्स है ना आज की डेट में, जो हमारी डील्स हैं, जो आपके मर्जर्स होते हैं, फिर जो बड़े कंपनीज के बीच में, अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार कर जाती है डील, मैंने बताया था आपको कि हमारे नए कंपटीशन एक्ट में ये लिखा गया है कि वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूट से होके जाएगी, ताकि हम बिग टेक मोनोपोली को प्रिवेंट कर सके, हम चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सके, और बड़ी कंपनीज के द्वारा छोटी कंपनीज के मर्जर्स जो हो रहे हैं वो भी एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी से उन्हें रोक सके, ताकि देश में कंपटीशन हेल्दी बना रहे। तो न्यू राइट के पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे स्टेट का काम इकोनॉमिक फंक्शंस में, चाहे वो फिर मिनिमल स्टेट क्यों ना हो, एक मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव में देखें तो स्टेट अगर थोड़ा बहुत अपना रोल अगर बढ़ा रही है, इकोनॉमिक रोल सिर्फ दो ही होने चाहिए, इन्फ्लेशन को ना बढ़ने देना, कंपटीशन को मेंटेन रखना, और स्टेट करती भी है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने लिखा है, प्राइस फिक्सिंग। आप मुझे एक बात बताइए, हमने जब एक बात की थी कि सेंट्रल सरकार ने ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेचे जाने वाली वीट के प्रोसेस को बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि सेंटर सरकार को जब जब यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेपल डाइट के बफर के ऊपर रखा स्टॉक भी डिविंडल होने लगे, या उन्हें जब जब लगता है कि आने वाले समय में अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन जो है वो थोड़ी हैम्पर हो सकती है एज पर द करंट डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, वो रोक लगा देते हैं। बात समझ में आ रही? तो प्राइस फिक्सिंग का जो काम है वो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर होता है, ये बात हमने वहां पे भी की थी। ये है हमारे मिनिमलिस्ट स्टेट के बारे में बात, और मिनिमलिस्ट स्टेट के कुछ फीचर्स जो बात हमने की कि कैसे ये पहले स्मिथियन इकोनॉमिक्स को फॉलो करते थे, अ क्लियर कट इनविजिबल हैंड या नाइट वॉचमैन स्टेट लॉकी का कहना, या इनविजिबल हैंड या नेसेसरी इविल एनार्किस्ट का कहना। बट धीरे 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 आपने देखा कि जब न्यू राइट आया आपका लेट 80s में, हमारे बैक इन द 1980s, तो फिर आपके अमेरिका के अंदर रीगनिज्म और ब्रिटेन के अंदर थैचरिज्म डेवलप हुआ, जिसने स्टेट के रोल को कुछ हद तक जो है इंक्रीज करने की बात की, राइज करने की बात की। तो ये है रोल ऑफ द स्टेट में हमारा, पहली स्टेट की फॉर्मेशन मिनिमल स्टेट्स, बाकी डेवलपमेंटल स्टेट से फिर हम बात आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल हैव द लेक्चर। सो दिस इज समथिंग वी हैव बाय दिस।